अगर आपका हमारे YouTube चैनल पे कैसे हो आप? आज हम मॉडल टाउन के मार्केट में हैं और अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाना हो, अगर मन कर रहा हो शाम के स्नैक्स लिए, बच चुके हैं 5 और हम कुछ स्नैक्स खाने निकले थे, अगर आपको भी स्नैक्स खाना हो और आप मॉडल टाउन के बीच में रहते हो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। जो यहाँ पानीपुरी और भेलपुरी के लिए काफ़ी मशहूर है, ये काफ़ी टाइम पहले इनकी एक रेडी लगा करते थे, उसके बाद इन्होंने शॉप पर आए। तो चलिए पूछते हैं क्या क्या बनाते हैं, आ जाइए। नमस्ते सर। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। धनंजय कुमार। धनंजय कुमार सर, सर कितने टाइम हो गया आपको सर ये शॉप? सर हमारा इधर टाइम तो पहले हम चौक पे होते थे, गुलाटी चौक पे। जी सर, इधर अपनी दुकान थी, इधर अपनी शॉप ले ली, पहले रेडी लगा देते। पहले आपका रेडी पे काम था? रेडी था अपना, उधर उधर 17-18 साल उधर काम किया। 18 साल से आपके शॉप ये? हाँ जी। यहाँ पे कब से आ रहे हैं सर? कितने? 3 महीने हो गए इधर। 3 महीने से? क्या रिस्पॉन्स है सर यहाँ पे? बहुत अच्छा है, उधर से इधर डबल, उधर से डबल है सर। काफ़ी आप फेमस है, आपका नाम काफ़ी मैंने यहाँ पे सुना, यहाँ पे लोगों से, मतलब क्या ऐसा चीज़ बनाते हैं कि इतना फेमस है यहाँ पे? सर अब तो बस हाथ का कमाल है। क्या क्या लगाते हैं आप, क्या क्या आपके पास? भेलपुरी होती सर अपनी, पटाटा पूरी, पटाटा पूरी बहुत मशहूर है अपनी, पटाटा पूरी काफ़ी मशहूर है। देखते हैं सर बनाइए आप कैसे। हाँ सर पटाटा पूरी बनाइए। मैं काफ़ी हाइजीन मेंटेन किया गया है यहाँ पे, यानी क्लब्स फैन के सारे काम करें। ये कौन सी चटनी है हमें? ये सर इमली की चटनी है, इमली और गुड़ का। इमली और गुड़ की चटनी है? जी। गुड़ की चटनी से पूरी ढक दी गई है पापड़ी के साथ, ये नट्स डाले जा रहे हैं जी, नमकीन सेमिया होते हैं, धनिया। ये आ गई हमारी बटाटा पूरी जी। इसका प्राइस क्या होता है सर? ये 70 की प्लेट है। 70 की? सर इसका एड्रेस आप बता दें यहाँ पे कौन से एरिया? सर ये मॉडल टाउन पड़ता है अपना, मॉडल टाउन मेन मार्केट है, लियो पगड़ी के सामने बिल्कुल अपनी जॉब है। सर किसी को आना हो इस वीडियो में तो कैसे आ सकते हैं सर? इस अपना लियो पगड़ी होती है, लियो पगड़ी मशहूर है यहाँ पे, लियो पगड़ी जी, उसके सामने बिल्कुल अपनी बॉम्बे बटाटा पूरी। सर थैंक यू। और सबसे पहले हम घी खाएंगे, बटाटा पूरी, और बटाटा पूरी आलू और ये चटनी है ना वो काफ़ी लाइट चटनी है और वो बहुत टेस्ट उसको दे रही है, और ऊपर से जो सीयू सीटी के उसका भी लगभग बढ़िया टेक्सचर आ रहा है। अब हम दूसरे जो है अब हम घी ट्राई करेंगे। काफ़ी मसाले लाइट हैं और काफ़ी जिसका टेस्ट उबर के आ रहा है वो इस चटनी की वजह से, उसमें सौंठ की टेस्ट आ रही है और जो भी जिसके ये चटनी है वो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। सो मैं ये दूसरे बाइट ले रहा हूँ, जो आँख में इतने मटके हैं वो इसका टेस्ट और बाहर के आ रहा है। सो आप शाम को अगर लाइट में कुछ भी लेना चाहते हैं तो एक बार इस शॉप पे जरूर आए, मॉडल टाउन के बीच में पड़ जाइए। दोस्तों इस भेलपुरी में मसाले इतने लाइट डाले गए ना, इतना हिसाब है इस दही को कि काफ़ी ये लगता है कि 18 साल से काम कर रहे हैं, उसके बीच की मसाले का जो वो कॉम्बिनेशन जितना इन्होंने कम डाला है उससे इसकी टेस्ट और भी निकल के आई है। हम मार्केट में भी खाते हैं और मार्केट में जो टेस्ट होता है वो
खुशबू मसाले का, कभी मिर्च ज़्यादा होता है या कुछ भी ज़्यादा होता है, पर इसमें जो मसाले का और नमक का जो कॉम्बिनेशन है एकदम लाइट मसाले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कभी भी आया आप खाएँ, यहाँ पर ट्राई करें।